दोस्तों, आगामी G20 समिट के पहले अमेरिका से आई है एक और बेहद अच्छी खबर। साथ में कनाडा ने दिमाग खराब कर दिया है। पहले अच्छी खबर की चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने भारतीय आईटी कंपनियों को धंधा देना चालू कर दिया है। एससीएल टेक का कहना है कि जो बुरा दौर था वो अब जा चुका है, भविष्य में अच्छा समय आने वाला है। जो अगली 3-4 तिमाही होगी उसमें इनकी कमाई बढ़ेगी, धंधे का आकार तेजी से बढ़ेगा। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा कि इसका कंपनियां इस्तेमाल कर पाए उसके पहले उन्हें भारतीय आईटी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण स्वरूप दोस्तों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो डेटा एनालिसिस करती है, लेकिन कंपनियों का जो डेटा है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पढ़ पाए उसके लिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा? वो काम सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय आईटी कंपनियां कर सकती हैं। इसलिए एआई भारतीय आईटी इंडस्ट्रीज का दुश्मन नहीं, दोस्त है। तो ये तो थी अच्छी खबर। अब आप बुरी खबर देख लीजिए। कनाडा का अभी कुछ दिनों पहले कहना था कि इस साल के अंत तक वो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा, लेकिन अब कनाडा ने बिना किसी कारण को बताए कह दिया है कि साहब हम डील को होल्ड पर रख रहे हैं। हमने अभी तक जो प्रगति करी अथवा नहीं कर पाए उस सब का हमें एनालिसिस करना है, थोड़े समय हम विश्राम करेंगे। लेकिन इन्होंने जो कारण बताया है वो सरासर झूठ है। पॉइंट यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, उसके पहले एक आदमी होता है जो माहौल सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो है माहौल बिगाड़ रहे हैं। कारण यह है कि भारत ने इनकी बात नहीं मानी, भारत ने G20 समिट में यूक्रेन को न्योता नहीं दिया। तो अमेरिका कनाडा के जरिए भारत को संकेत दे रहा है कि अगर हम पश्चिमी देशों की बात नहीं मानेंगे तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब हम कई सारे देशों के साथ अपने सामरिक हितों को संतुलन में रखने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं जीत तो कहीं हार और कहीं डीले भी होगा। इसलिए हम कोई ज्यादा डर और घबरा नहीं रहे हैं। पॉइंट यही है कि कनाडा में हिम्मत क्यों नहीं है कि वो हमें ये बताएं कि भैया क्यों डील होल्ड पर रखी। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब कनाडा दोबारा भारत से बातचीत करने आए तो कम से कम हमने कनाडा को लटकाना चाहिए। कनाडा के डब्बे से घी बिना उंगली टेढ़ी किए नहीं निकलेगा। सठे साठ्यम समाचरेत की नीति सदियों से चलती आई है, चलती रहेगी। जबकि भारत G20 की महफिल सजा रहा है, हम पर जिम्मेदारी है, तब कौन हमारे कार्यक्रम को सफल बना रहा है, कौन उसमें व्यवधान डाल रहा है, सब चीज मोदी साहब नोट कर रहे हैं पीएमओ में बैठकर। मोदी साहब वैसे भी किसी को माफ तो करते नहीं है। बारी बारी से इन सब का नंबर आएगा और सभी से भारत को पहुंचाए जा रहे नुकसान का हर्जाना वसूला जाएगा।